हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपको एक नई जो ऑफ़र आई है ICICI डायरेक्ट जो ब्रोकर है, बहुत सारे लोग इसके मेंबर हैं। एक्चुअली ये नंबर वन या नंबर टू पे है टोटल कस्टमर्स में, ब्रोकरेज में। तो इनकी एक न्यू स्कीम आई है। होता क्या है, जब भी हम कोई भी शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम फेस होता है। जब उनको कैश की ज़रूरत होती है, तो सपोज़ उनके अकाउंट में 1,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये के कोई कंपनी के शेयर्स हैं, डीमैट फॉर्मेट में उन्होंने रखे हुए हैं, डिलीवरी लिया हुआ है, तो अभी उसको सेल करते हैं तो उसके जो पैसे मिलते हैं 10,000, अभी सपोज़ आपको उसकी ज़रूरत है अचानक से, तो आप उसको सेल करते हैं तो आपको पैसे कब मिलेंगे, 2 दिन बाद। बहुत सारे ब्रोकरेज हैं जो वो फैसिलिटी देते हैं कि लिक्विड सेल करके आप उसका क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, बट समझो आपको वो पैसे अकाउंट से निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो डिलीवरी हमें सपोज़ एक शेयर है और XYZ कंपनी का, तो वो 10,000 रुपये के हमारे पास शेयर है, वो हम सेल करते हैं तो उसके पैसे हमारे अकाउंट में आने के लिए T+2 साइकिल के हिसाब से 2 दिन या उससे ज़्यादा समय लग जाता है। ब्रोकर पे भी डिपेंड करता है कभी कभी डिलेस की वजह से, तो वो टाइम लग जाता है और हमें 2 से 3 दिन तक रुकना पड़ता है। तो उसके ऊपर ICICI डायरेक्ट ने एक नया EATM करके न्यू स्कीम चालू किया उनके ब्रोकरेज में। तो ये स्कीम के अंदर इन्होंने यहाँ पे आप उनके फैक्ट जो पेज है FAQ का, उसमें जाएंगे तो EATM ऑर्डर्स करके एक है, उसके डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दिए क्वेश्चन एंड आंसर में। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बताया है कि EATM क्या है। तो कोई भी आपके पास डिलीवरी है शेयर की, तो उसको आप उनका एक पेज है जिसमें प्लेस ऑर्डर का जो लिंक है, या फिर EATM करके एक सेपरेट पेज है, वो पेज पे जाके अगर आप सेल करते हैं तो आपको फटक से मैक्सिमम, इन्होंने लिमिट रखा है फ़िलहाल के लिए 50,000 का, और वो भी पर्टिकुलर कस्टमर टू कस्टमर ICICI के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज होता है। तो एक 50,000 का एक पकड़ के चल सकते हैं, 50,000 तक के आपको पैसे इंस्टेंटली आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि 2 दिन बाद वो डीमैट अकाउंट से डेबिट होंगे, फिर CDSL NSDL पे उसका प्रोसेस होगा और फिर पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब कंडीशंस हैं। पहला तो ये कि आपका जो अकाउंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, कैश पॉजिटिव रहना चाहिए, उसमें कुछ पहले पैसे रहने चाहिए। वो कंडीशन एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे दिया है द टोटल करंट लिमिट इन इक्विटी सेगमेंट इज़ नेगेटिव रहेगा। करंट लिमिट अगर आपका इक्विटी सेगमेंट नेगेटिव रहेगा तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते, तो वो पॉजिटिव चाहिए। दूसरा, 50,000 तक ही आप इसमें से प्रोसेस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप BSE के कुछ सिलेक्टेड शेयर्स में ही ये कर सकते हैं। तो BSE पहला तो एक सिलेक्टेड एक्सचेंज है, और उसके बाद उस जो शेयर्स में आप इसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे ICICI डायरेक्ट में लॉगिन करके इक्विटी सेक्शन में स्टॉक लिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से लिस्ट में EATM की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा स्कीम है। अगर आप देखते हैं कि जब भी हमें अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दैट केस ये एक अच्छा हो सकता है। तो बाकी पैरामीटर्स को थोड़ा इग्नोर करेंगे, ब्रोकर रेज और वो सब चीज़ें, तो ये एक अच्छा स्कीम हो सकता है। इसमें और एक पॉइंट है कि आपका जो ब्रोकरेज वो ट्रांजैक्शन में लगने वाला है, तो वो उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा जितने पैसे आपको विड्रॉ करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन से, और वो 2 दिन के बाद जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो एक छोटा सा अपडेट मुझे आपको बताना था। शेयर मार्केट फ्रेंड के बाकी वीडियोस भी आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, अलग अलग जो मैंने वीडियोस बनाए, और आपके कुछ क्वेरीज वगैरह होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। शेयर मार्केट फ्रेंड को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।